स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर शनिवार को अंचल समिति के सदस्य पंडित विपिन शर्मा की अगुवाई में लोक निर्माण विश्राम गृह ज्वाली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्राम गृह ज्वाली से लेकर लक्ष्मी नारायण मंदिर तक एक रैली का आयोजन किया। उसके साथ एकल सप्ताह का समापन भी हुआ, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित विपिन शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। आज जो विवेकानंद जी का जन्मदिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त के रूप में जाना जाता है और आज उनका जन्मदिवस पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुझे याद है उनके कथन थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और मेरा कहना यह है कि आज के युग में हम सबको उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जय श्री राम। आज एकल विद्यालय की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है। हम सब भाई उनको शत शत नमन करते हैं। स्वामी विवेकानंद एक देशभक्त और संत पुरुष थे और आज पूरे देश में उन ये युवा दिवस के रूप में उनका जो है आज ये दिन मनाया जा रहा है। और उनके कुछ कथन थे मैं कहना चाहूँगा। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। और मेरा कहना यह है कि आज के युग में हम सबको उनके कथनों पर चलने की ज़रूरत है। जय श्री राम। मैं एकल अभियान की कार्य करता हूँ। 11 वर्षों से इस कार्य मेरा काफ़ी अनुभव रहे हैं और जो हम देशभक्त जैसे विवेकानंद हो गए, इनके उपलक्ष्य रैली निकालते हैं, आयोजन करते हैं, जब भाषण प्रतिवाद करते हैं, तो उसके हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि घर से बाहर आकर भी कुछ है। आज जो भी कुछ है ये मैंने एकल से सीखा है। अगर एकल मैं आने का मारा तो जैसे दूसरा जन्म होता है नारी शक्ति को, एकल मैं आने का मेरा वही मेन मकसद है। और दूसरा है कि एकल हमारी 5 गतिविधियाँ काम करती हैं। 5 गतिविधियों को लेकर जैसे पहले प्राथमिक शिक्षक है, छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देना शाम 4 से 7 बजे तक। और दूसरी गतिविधि आती है हमारी आरोग्य योजना, इसमें रोग होने से पहले उसको कैसे उसका रोकथाम करनी है। गांव-गांव में कचरा गड्ढे, सोखते गड्ढे वगैरह बनाकर लोगों को जागरूक करते हैं। तीसरी आती है हमारी ग्राम विकास की, इसमें ये है कि रासायनिक काफ़ी लोग ज़्यादा रासायनिक खेती उपयोग करते हैं, तो हम केंचुआ खाद तैयार करने के आराध्य से जैविक खेती लोग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ तक हमारा एकल फैला हुआ है। और चौथा स्वाभिमान जागरण, इसमें खुद का स्वाभिमान जगाना और दूसरों का भी जगाना। पाँचवीं हमारी संस्कार शिक्षा, इसके हमारे नियमित रूप से सत्संग चलते हैं, सत्संग के माध्यम से काफ़ी व्यसन मुक्त हो रहे हैं। जय श्री राम। ज्वाली से अनिल छांगू की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर मैं अपनी समस्त जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी ज्वाली की जनता को भी इस शुभ दिन के लिए, शुभ त्यौहार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ में ही मैं आपके NTV को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं।